एफएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच में जो शिक्षा जगत के अंदर जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और जिनका एक शिक्षकों का एक नाम होता है, और आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज का जो धरना प्रदर्शन का था इनका क्या इसका तात्पर्य। हमारे बीच में सविता काद्यान जी। काद्यान जी, जो आज का जो धरना प्रदर्शन था, एक तरफ कहा जाता भारत के अंदर कि जो टीचर हैं, ये टीचर ये एक देश की धरोहर हैं और देश निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप लोग यहाँ धरने पर क्यों बैठे, क्या कारण है? टीचर को बेशक एक आज के समय में समाज की धरोहर कहा जाता है, एक राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, लेकिन आज हमारे राष्ट्र निर्माता की हालत बहुत दयनीय हो गई है। आज हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा उसमें हमारी विकट समस्या वेतन की समस्या है कि एक राष्ट्र निर्माता को अपने खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, अपनी तनख्वाही नहीं मिलेगी 3-4 महीने तक, तो हमारे राष्ट्र निर्माता को सड़क पर आकर बैठना ही पड़ेगा। क्या आपकी मांगे थी? हमारी मांगे तो सबसे पहले यही है कि हमारी कम से कम वेतन हमारा समय पे दिया जाए, हमारे पिछले साल के डीए बोनस एरियर अभी तक किसी का पता नहीं है और लगातार 4 महीने हो गए हमारा वेतन नहीं मिला हुआ, और अभी रिसेंटली जो ऐसा आदेश आया है 30/11/17 को, जिसमें एलजी हाउस ने आदेश दिल्ली सरकार ने डिपार्टमेंट्स में भेजा है कि सभी को प्रमोशन दी जाए, उसमें रोस्टर का ध्यान ना रखा जाए, तो हमारी बहुत सी मांगें इनको लेकर आज हम यहाँ पे सड़क पर धरना दे रहे हैं। तो अभी जब आप धरना दे रहे हैं तो सब जगह बाबा साहब का नाम लिया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है, तो ये आज जो बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है उसके बाद भी ये हाल है, क्योंकि बाबा साहब ने ही संविधान में हमारी ये इस तरह का प्रावधान किया था जिसमें रोस्टर प्रणाली रखी गई थी और एक संवैधानिक अधिकार हमारे सुरक्षित रखे गए थे। आज कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में रखे थे उन पर साजिश के तहत उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कि बाबा साहब ने किस तरह से इस दलित वंचित शोषित वर्ग के लिए एक समाज संविधान में जो एक व्यवस्था करी थी उसको कैसे षड्यंत्र के तहत हटाया जा रहा है, इसलिए बाबा साहब को याद करके बताया जा रहा है बार बार उनको कि ये एक किसी का पर्सनल नहीं, एक संविधान निर्माता द्वारा तय नियम था। लेकिन मैडम, जब कोई इस तरीके की बातें आती हैं सरकारी कर्मचारियों के पीछे जिनका प्रमोशन नहीं होता या कोई दिक्कत आती है, जब बाबा साहब याद आते हैं, उससे पहले जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं सब लोग बाबा साहब को धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों लोगों का जीवन सुधार दिया, लेकिन आज करोड़ लोग बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बाबा साहब के नाम को लेकर आपने इस तरह से बोला, आप ये बताएं, अभी पीछे मैक्स हॉस्पिटल में घटना घटित हुई और भी जगह घटना घटित हुई, वहाँ पर अगर कोई एससी डॉक्टर होता या कुछ, अभी पीछे एक और हॉस्पिटल में हुआ था, वहाँ पर अगर किसी एससी डॉक्टर ने किसी वर्ग ने किया होता अब तक पता नहीं क्या हाहाकार मच जाए, लेकिन आज जनरल टीचर्स जनरल डॉक्टर्स ने अगर ये जिंदा बच्चे को थैली में बंद करके भेज दिया, तब उस अस्पताल की आज 2 दिन के लिए वो बंद करके उसको वापस से चालू कर दिया गया, तब आज ये कहा जाता है कि दलित ने एक आरक्षण का फ़ायदा उठाया। कल एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें हमारे राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी ने कहा कि आरक्षण तरक्की का माध्यम नहीं है, आरक्षण एक सुरक्षा जिस एक माहौल पैदा करने के लिए आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसने जिसकी कल्पना भी नहीं करी हो, एक कल्पना उसने नहीं करी हो, एक आरक्षण के माध्यम से एक उसको वो माहौल मिलता है जिसकी वजह से वो देश में तरक्की करता है। धन्यवाद।